श्री फतेहगढ़ साहिब दे नेड़े दो पिंडां विच श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पावन स्वरूपां दी बेअदबी कीती गई। इस घटना नूं इक्को शख्स वल्लों अंजाम दित्ता गया सी। मुलजम ने पहला पिंड जल्ला अते बाद विच पिंड त्रखाण माजरा विच इह घटना नूं अंजाम दित्ता। हालांकि मुलजम नूं संगत वल्लों काबू करके उसदी कुटमार कीती गई, पर इस बेअदबी घटना नाल सिख संगत विच काफी रोस है अते गुस्से विच आई संगत ने सरहंद नैशनल हाईवे नूं जाम कर दित्ता। भाई भगवंत सिंह ढींसा वल्लों मुलजम विरुद्ध सख्त तों सख्त कार्रवाई की मंग की गई। नतीजे वजो मुलजम उत्ते धारा 295A, 504 IPC अते UAPA एक्ट के अधीन मामला दर्ज किया गया। यह पहला मौका है जो किसी बेअदबी मामले विच पुलिस ने UAPA की धारा लगाई है। पुलिस की इस कार्रवाई तो तकरीबन 9 घंटे बाद ही यह धरना चुकया गया अते आवाजाही नूं मुड़ बहाल किया गया। 295A ला देंदे सी ते तीजे दिन अगले दी जमानत हो जांदी सी, मुड़ के थापियां मारदा फिरी जांदा सी मेरा की बिगाड़ लिया किसी ने। सो साडा संगत का यही रोस सी अज इत्थे वी तुसीं छोटियां धारावां ला के हर वेले बेअदबी वाले मामले च बंदा बरी हो जांदा है ते उहनूं जमानत मिल जांदी है, पर जो अज सानूं इत्थे प्रशासन ने बहुत फतेहगढ़ साहिब दे इक मिसाल कायम होई है कि जिहड़ी इह जुआपा धारा लाई गई है। सो यह युवापा धारा लगी है, बाकी प्रशासन ने सानू बहुत बड़ा वह फैसला दिता इस चीज़ की भी कौन रंजिश है, कौन करा रहा, किहड़े बंदे दे नाल सीगे, किन्ने नू पैसे दिते ने कराउण वास्ते, किहने कराया, किहड़े डेरे नाल संबंध है इहदे, वो सारा प्रशासन के सामने रखा जाएगा। बहुत ही माड़ी घटना वापरी है दो जगह पर, एक तरखाण माजरे और पिंड जल्ला च। एक सहजवीर नाँ का मुंडा जिहड़ा नाभे नूं बिलोंग करदा, 20 साल का लड़का है, उन्हें आके दोनों गुरुद्वारा साहब च बेअदबी दी बहुत ही शर्मनाक घटना वापरी है उसके वालों। तो जिहड़े बेटे ने बहुत ही ज़्यादा, ईवन ग्रंथी ने नाल मिलकर बहुत ही बहादुरी नाल उन्हों काबू करके पुलिस के हवाले किया, जिदे करके असी बहुत एप्रीशिएट करते। तो असी दो वक्रे वक्रे परचे दर्ज किए हैं सहजवीर सिंह से, 295A, 504 IPC और 18B UAPA अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट, ये अंदर दो परचे सरन थाने दर्ज किए। तो हुण असी रिमांड लैके पूरा इन्वेस्टिगेट करांगे कि